नमस्कार दोस्तों, मैं गिरी आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल द गिरी बाग पे। और अगर कोई नया व्यूवर आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। आज हम लोग सीखेंगे चने उगाना। चने उगाने के लिए आप उसको 24 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दें, जिससे कि उसका मॉइस्चर मेंटेन रहे, और फिर उसको धो लें ताकि जो 24 घंटे के लिए हमने उसे भिगोया था उसके अंदर के सारे बैक्टीरिया निकल जाएं। अब हम उसे किसी भी सूखे ट्रे में निकाल लेंगे, किसी सूती कपड़े या टिश्यू पेपर से उसे अच्छे से पोंछ लें ताकि कीड़ा ना लगे। सेकेंड स्टेप ये है कि हम लोगों को अपने चने को मिट्टी के अंदर बहुत डीपली तो नहीं, पर हाँ थोड़ा डीपली उसको हमें क्या है उसे हमें बोना है। और बोने से पहले अपनी मिट्टी के अंदर चेक कर लें कि जितने भी स्टोन्स हैं उन सबको आप रिमूव कर दें, जिससे कि जब आपके बीज अंकुरित होंगे, जब जर्मिनेशन होगा, तो जो बीज होगा उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो फास्टली एंड रैपिडली बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप अपनी मिट्टी अच्छे से प्लाव कर लें जिससे कि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा भुरभुरापन हो जाए। तो दोस्तों स्टेप टू ये है कि आपके जो ग्रो बैग या कोई पॉट हो जिसमें भी आप चने उगाएंगे उसके अंदर आप हाफ इंच का आप आराम से होल कीजिए और उसके अंदर हम बीज डालेंगे। आप लोगों को बीज के दुगना, अगर आप कोई भी बीज हो ना केवल चना, कोई भी बीज जब भी बोएं उसके जो दो गुना ज़्यादा ही उसका छेद करें उसके बाद उसे डालें, और दो गुने ज़्यादा से सीड को अंदर ना लगाएं, उससे कि वो सड़ सकता है और हो सके कि वो जर्मिनेट ही ना हो। तो कोई भी बीज हो, चाहे वो चना हो, मेथी हो, लौकी हो, कद्दू हो, उसके हमेशा दो गुना गहराई में ही उसे बोएं, जिससे कि आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे आपके वेजिटेबल या फ्रूट गार्डन के लिए। अब हमने यहाँ पे हाफ हाफ इंच के आप लोग ऐसे मेज़र कर सकते हैं कि जो आपकी उंगली का टॉप अप एरिया होता है एक पार्ट का, उसका आप अपना बना लीजिए और वैसे वैसे आप अपने जो मिट्टी है उसके अंदर होल बनाते जाइए और एक एक करके, या अगर आप चाहें दो दो क्योंकि सही नहीं रहेगा, आप एक एक बीज डालते रहें और अपने जो पौधे हैं उन्हें रेडी करते रहें। ज़रूरी नहीं है कि सभी बीज उग जाएं, तो इसीलिए अगर कोई पौधा मर भी गया तो हम थिनिंग करके, या अगर कोई ज़्यादा उग गए तो हम थोड़ी थिनिंग कर देंगे, या अगर कम उग गए तो हम उसको और थोड़ा सेपरेट करके उसे फैला देंगे जिससे कि उसकी अच्छी ग्रोथ हो। यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि कई बार दो दो बीज गिर जा रहे हैं, तो आप लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दो बीज गिर गए हैं गलती से, बैक्टीरिया और फंगस होते हैं जो कि आपके पौधे को ख़राब करने के लिए बहुत होते हैं। और अगर अगर आपके होल में दो बीज गिर जाएं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप उसको जब अंकुरित हो जाए उसके बाद आप सेपरेट कर सकते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, इसका अपडेट भी वीडियो में है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लाइन बाय लाइन जितने बीज थे, कुछ बीज इसके मेरे पास बच भी गए जो कि मैं अपने पॉट्स में और इधर उधर लगा दूंगा। तो ये भी एक टिप है कि अगर आपके बीज बच जाएं तो आप लोग घबराएं नहीं, उसे कहीं ना कहीं और लगा दें। अगर कहीं गमले में एक पौधा लगाए उसके पास जगह खाली है तो ऐसे में अगर आप डालेंगे तो भी काफ़ी अच्छे पौधे की ग्रोथ आएगी। और अब मैंने यहाँ पे बीज डाल के अच्छे से उसको प्रेस कर दिया है हर एक होल में, और अब बारी आती है कि इसको हम बराबर कर दें। तो इसके लिए आप लोग को कहीं और से मिट्टी लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग कहीं से भी मिट्टी उठा के उस ड्रे जितने भी होल थे उन सब के ऊपर रख दें, और जितना भी कूड़ा करकट यानी कुछ भी अगर ऐसा डस्ट है मिलता है या कोई स्टोन उसको अलग कर दें, और अपनी मिट्टी जितने भी छेद थे उन सबको भर दें। और अगर कोई ऐसा ढेला या कंकड़ आता है जो कि ईजिली फूट जाए तो उसको भी फोड़ दें। और अब बात आती है कि कितना मिट्टी भरना है, तो मिट्टी पूरी भरनी है आप लोग को। होल का ध्यान रखना है कि होल सही से बने, और आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोग की मिट्टी ज़्यादा गीली ना हो वरना फंगस लग सकता है। और बस अगर आप इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो काफ़ी अच्छे चने का पौधा आपको मिलेगा। और इसको बाद में हल्का हल्का प्रेस कर दें और अगली सुबह को पानी दीजिएगा, अगली सुबह और उसके बाद दो तीन दिन बाद तो आपके चने निकल ही आएंगे। तो ये था आज की वीडियो में। आगे अपडेट के लिए आप वीडियो को स्किप ना करें, उसका भी अपडेट है।
और यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं आगे कि चने निकल आए हैं।